सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी। मेरा नाम मनदीप दुल्ड। दोस्तों, जूम ऐप में एडमिन ने वीडियो के साथ ऑडियो कैसे शेयर करनी है ड्यूरिंग मीटिंग, इसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उसके बाद पार्टिसिपेंट के, जहां आप बोलो स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि पार्टिसिपेंट ने ड्यूरिंग मीटिंग वीडियो के साथ ऑडियो कैसे शेयर करनी है। दोस्तों, पार्टिसिपेंट विद साइन इन एंड विदाउट साइन इन दोनों मेथड से वीडियो के साथ ऑडियो शेयर कर सकता है। आज हम इस वीडियो में दोनों मेथड को डिस्कस करेंगे। ये सभी देखने के लिए बने रहिए मेरी वीडियो के एंड तक। दोस्तों, लेफ्ट फोन को हम एज ए एडमिन फोन यूज करेंगे, एज ए टीचर फोन यूज करेंगे, एंड राइट फोन को हम एज ए पार्टिसिपेंट यूज करेंगे, एज ए स्टूडेंट यूज करेंगे। दोस्तों, पार्टिसिपेंट फोन से हम टू मेथड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे साइन इन के बाद वीडियो के साथ ऑडियो कैसे शेयर करनी है, एंड सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे विदाउट साइन इन वीडियो के साथ ऑडियो कैसे शेयर करनी है। दोस्तों, पहले हम यहाँ पे साइन इन कर रहे हैं। दोस्तों, साइन इन करने के बाद पार्टिसिपेंट के पास भी सेम ही ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी जो एडमिन के पास हो रही हैं, जैसे न्यू मीटिंग, ज्वाइन, स्केड्यूल, शेयर स्क्रीन, मीट एंड चैट, मीटिंग कॉन्टैक्ट एंड सेटिंग्स। दोस्तों, पार्टिसिपेंट ने यहाँ सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे मीटिंग की ऑप्शन आएगी, मीटिंग पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे पार्टिसिपेंट के पास ऑप्शन आएगी यूज ओरिजिनल साउंड की, जैसे मेरे पास ऑलरेडी ऑन था तो पार्टिसिपेंट ने यहाँ पे ओरिजिनल साउंड को ऑन कर देना है। दोस्तों, ये हर बार ऑन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे एक बार ऑन कर दोगे तो उसके बाद आप कहीं पे भी साइन इन करो तो आपकी सेटिंग सेव रहेगी। दोस्तों, ओरिजिनल साउंड को ऑन करने के बाद पार्टिसिपेंट ने मीटिंग को ज्वाइन करना है। जैसे यहाँ पे मैं पहले एडमिन फोन से मीटिंग को ज्वाइन करूंगा, उसके बाद पार्टिसिपेंट फोन से मीटिंग ज्वाइन करूंगा। दोस्तों, यहाँ पे मेरी एज ए एडमिन मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी मैं पार्टिसिपेंट फोन से मीटिंग को ज्वाइन करूंगा। पार्टिसिपेंट फोन से मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए आपने यहाँ ज्वाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे मीटिंग आईडी फिल करनी है। मीटिंग आईडी फिल करने के बाद आपने यहाँ पे नेम फिल करना है। उसके बाद आपने ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपने यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है। दोस्तों, जैसे ही एडमिन पार्टिसिपेंट को एडमिट करेगा तो यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद पार्टिसिपेंट ने यहाँ कॉल ओवर इंटरनेट पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे इको की प्रॉब्लम की वजह से मैं माइक्रोफोन को ऑफ कर रहा हूं। उसके बाद मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगी अनेबल ओरिजिनल साउंड की, तो पार्टिसिपेंट ने इस ऑप्शन को ऑन करना है। एक ऑप्शन हमने पहले ऑन की थी मीटिंग सेटिंग में यूज ओरिजिनल साउंड की, एंड सेकंड ऑप्शन आपने यहाँ पे ऑन करनी है यूज ओरिजिनल साउंड की। दोस्तों, ये दोनों ऑप्शंस ऑन करने के बाद पार्टिसिपेंट ने यहाँ शेयर पे क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे एडमिन ने परमिशन नहीं दी पार्टिसिपेंट को स्क्रीन शेयरिंग के लिए। जैसे ही एडमिन स्क्रीन शेयरिंग की ऑप्शन ऑन करेगा तो पार्टिसिपेंट भी स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अभी शेयरिंग को ऑन कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एज ए एडमिन स्क्रीन शेयरिंग की ऑप्शन को ऑन कर दिया है। दोस्तों, आपने यहाँ पे 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। माइक्रोफोन को अनम्यूट करना है, अपने फ़ोन से वॉल्यूम को फुल करना है, एंड थर्ड, अगर आप ईयरफोन यूज कर रहे हो तो आपने ईयरफोन को अनप्लग कर देना है। उसके बाद पार्टिसिपेंट ने यहाँ शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन शेयरिंग करनी है, एंड उसके बाद पार्टिसिपेंट अगर कोई यूट्यूब से MP4 फाइल प्ले करेगा तो वीडियो के साथ ऑडियो शेयर होगी। दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट गैलरी से आपकी वीडियो के साथ ऑडियो शेयर नहीं हो रही तो आपने किसी भी प्लेयर को डाउनलोड करना है अपने फ़ोन में, कोई MX प्लेयर, कोई भी MP4 प्लेयर को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप वीडियो के साथ ऑडियो शेयर कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयरिंग इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा, अगर मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करूँगा तो वीडियो रिकॉर्डिंग पॉज हो जाएगी। तो दोस्तों, अभी मैं आपको नेक्स्ट मेथड बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट मेथड के थ्रू आप वीडियो के साथ ऑडियो कैसे शेयर कर सकते हो विदाउट अ साइन इन। तो अभी मैं यहाँ पे एज ए पार्टिसिपेंट मीटिंग को लीव कर रहा हूँ। दोस्तों, एज ए पार्टिसिपेंट लीव करने के बाद अभी मैं ऐप से साइन आउट करूंगा। दोस्तों, साइन आउट करने के बाद अगर आप डायरेक्ट यहां ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करके या आप किसी लिंक के थ्रू मीटिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो उससे पहले आपने एक काम करना है। यहां लैपटॉप पे सेटिंग की ऑप्शन आएगी, आपने यहां पे क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करने के बाद मीटिंग की ऑप्शन आएगी, तो आपने यहां मीटिंग पे क्लिक करना है। मीटिंग पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगी यूज ओरिजिनल साउंड की। दोस्तों, आपने यहां यूज ओरिजिनल साउंड को ऑन कर देना, जैसे मेरे पास ऑलरेडी ऑन था, अभी मैं फिर से ऑफ करके ऑन कर रहा हूं। तो अगर आप विदाउट साइन इन वीडियो के साथ ऑडियो शेयर करना चाहते हो एज ए पार्टिसिपेंट तो आपने यूज ओरिजिनल साउंड को ऑन रखना है। उसके बाद आपने वैसे ही मोर ऑप्शन पे क्लिक करके अनेबल ओरिजिनल साउंड को ऑन कर देना ड्यूरिंग मीटिंग। उसके बाद आपने स्क्रीन शेयरिंग करनी है।
दोस्तों अगर आपकी जूम ऐप या किसी अदर एजुकेशन ऐप रिलेटेड क्वेरी है या कोई सजेशन है तो मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स।